हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में कुछ आपको इस तरह की वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ जो कि टिकटॉक पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, यानी कि ट्रेंड में चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को यहाँ से ज़रूर से सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसको डाउनलोड करके आप जल्दी से इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको मीडिया में चले जाना है और यहाँ पर बैकग्राउंड में चले जाना है। और यहाँ से आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद शुरू स्टार्टिंग में आ जाना है और आपको दोस्तों लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। और आपने जो वीडियो अपने कैमरे से शूट की है जो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और इसको यहाँ से इस तरीके से सही से बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों, इस बैकग्राउंड को कुछ आगे तक कर देते हैं हम। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से काट सकते हैं। तो वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंची पे जाना है और यहाँ से ट्रेम टू लैपटॉप प्लेट करके काट देना है और इसको राइट कर देना है। तो वीडियो को दबाए रख के और आगे तक ले जाना है। इसको शुरू स्टार्टिंग में छोड़ने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे भी दिखेगा जिसको ख़राब हो चुका है। तो उसको इस तरीके से वीडियो पर क्लिक करना है और कैंची पर चले जाना है और यहाँ से ट्रेम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है और इसको राइट कर देना है। अगर दोस्तों आपका बैकग्राउंड ये ज़्यादा बड़ा हो गया है तो वीडियो पर क्लिक करें और यहाँ से फिर बैकग्राउंड पर क्लिक करें और कैंची पे जाएं और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है और इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से वीडियो को शूट कर लेना होगा जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से शूट करने के बाद दोस्तों, आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको क्रोमकी का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रोमकी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका की कलर है जो कि कुछ शर्ट का कलर होता है उसी तरीके का होना चाहिए। तो आपको कुछ इस तरीके से मैच कर लेना, कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको शर्ट का कलर होता है उसी तरीके से कर लेना है इस तरीके से, और इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों, आपकी क्या है कि ये शर्ट का कलर है जो कि कुछ इस तरीके से हट जाएगा, और इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से भी मैच कर सकते हो इसको आगे पीछे करके। तो दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद इसको राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों, आपको उस फोटो के ले आना है यहाँ पे, जिससे कि मैं उठाता हूँ इसको यहाँ पे क्लिक। यहाँ तक लाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे उस फोटो को ले आना है, लेयर पे जाना है, मीडिया में चले जाना है और जिस फोटो को ले आना है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है, तो उस फोटो को यहाँ से इस तरीके से ला सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से ये एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से इस तरीके से काट सकते हो। काटने के बाद दोस्तों, आपको इस तरीके से राइट कर देना है। राइट करने के बाद फिर से फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से बिठा देना है इस तरीके से। इस तरीके से बिठाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है, जिससे कि ये वीडियो के पीछे हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा म्यूजिक है तो उसको काटने के लिए यहाँ से वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से साउंड पर जाना है और यहाँ से म्यूट कर देना है और इसको राइट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर और सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।